सेकेंड क्वेश्चन जो है वो पावर से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बताया गया एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10 पर्संस विथ द एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन बीइंग 68 kg. द मास ऑफ द एलिवेटर इटसेल्फ इज 920 kg एंड इट मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड 3 m/s. The frictional force opposing the motion is 6000 Newton. If the elevator is moving up with its full capacity, the power delivered by the motor to the elevator must be at least g का वैल्यू 10 m/s लेना है, है ना. तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक डायग्राम से समझते हैं. मैं हमेशा बताता हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी आप सोल्व करें तो एक डायग्राम जरूर बनाएं. डायग्राम बनाने से क्या है कि पूरा जो क्वेश्चन है वो एक बार में समझ में आ जाता है, है ना. एक डायग्राम बनाना चाहिए जो डेटा दिया हो, डेटा को लिखें वहाँ पर, तो क्वेश्चन जो है एक बार में समझ आ जाता है. फिर जो है हम प्लानिंग कर सकते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, है ना. तो सपोज ये जो है ये एलिवेटर है, इसमें इसको ऊपर ले जाना है तो केबल से एक फोर्स लगाना होता है, टेंशन फोर्स, जो कि ऊपर इसको खींच करके ले जाता है, है ना. कहा गया है कि इसमें 10 आदमी जो है वो मैक्सिमम जो है वो चढ़ सकते हैं. एक आदमी का मास लेना है 68 kg, है ना. तो 10 आदमी का मास कितना हो जाएगा, 68 × 10, इतना kg हो गया. जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वेट हो गया. एलिवेटर का खुद का मास दिया गया है 920 kg, है ना. तो इसका वेट भी नीचे ही आएगा, 920 × g. साथ में फ्रिक्शन फोर्स है, कहा गया फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 6000 न्यूटन. तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये 6000 न्यूटन है, है ना. और ये कांस्टेंट वेलोसिटी 3 m/s से जा रहा है. तो कहा गया कम से कम जो है मोटर को कितना पावर ट्रांसफर करना चाहिए. अगर हम लोग ये मान लें कि जो मोटर है वो सारा एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो कितना पावर जो है वो ट्रांसफर कर रहा होगा. तो देखेंगे कि ये जो फोर्स है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो ये जो फोर्स होगा इन तीनों फोर्स के सम के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नीचे लग रहे हैं. कांस्टेंट वेलोसिटी चलने के लिए इक्विलिब्रियम में, एक तरह से कह सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये चलेगा. ऊपर फोर्स और नीचे वाले फोर्स इक्वल होना चाहिए. तो ये आएगा 6800 प्लस ये आएगा 9200 और ये है 6000. ये सारे न्यूटन में है, है ना. इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22000 न्यूटन. इतना फोर्स ऊपर लग रहा है. अब अगर हमें पावर निकालना है तो पावर तो होता है F × V. जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही जा रहा है, है ना. तो इसमें cos थीटा जो है वो 1 हो जाएगा. एक्चुअली में पावर होता है F·V, F·V cos θ. थीटा 0 है यहाँ पर, तो cos थीटा 1. तो सीधे हमें फोर्स को वेलोसिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है. 20,000 न्यूटन का फोर्स है और वेलोसिटी है 3 m/s. तो ये देखेंगे आएगा 66,000 वाट, है ना. और ये जो है थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया.